إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسرية والغيبة الإلهية صلى الله عليه وسلم رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين توسل زعقاب عبد الله الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع عند الله ایک بار اور یا وجیان عند الله اشفع لنا عند الله صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في القرآن فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم نعرہ الصلوات معمولا فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ غم سے گھبراتا ہے ہر انسان اس بات کا طالب ہے کہ غم اس سے دور رہے اور وہ خوشیوں کی طرف لپکتا ہے خوشیاں تلاش کرتا ہے خوشیاں نہ ہوں اس کی زندگی میں تو اسے ایجاد کرتا ہے اور جو غم ہوں ان غموں کو دور کرتا ہے
ये अजब गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि कल्ब मोमिन इस गम का इंतजार करता है। मोमिन का कल्ब के जिसमें बनस हदीस रसूल हरारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क़यामत तक के लिए रखा गया है कि वो हरारत कभी ठंडी नहीं होगी। तो चूंकि उस कल्ब में वो हरारत है तो एक मोमिन का कल्ब फितरत के बरखिलाफ गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाता है। ये इस गम की तासीर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर मैं बच्चों के लिए और जवानों के लिए कि जो इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते से भटक ना जाएं, उसके लिए GPS यूज़ करते हैं। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह तक पहुँचने के रास्ते का GPS है। सादा से मिसाल, एक मिलकर सलावात भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्यों? इसलिए कि कहीं कोई डी ट्रैक है, कोई गुमराह हो चुका है, तो मुहर्रम उसे सिराते मुस्तकीम से जोड़ देता है। फिर जो अल्लाह से भी करीब नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र उसे अल्लाह सुबहान व तआला से वसल कर देता है। ये एक ऐसी बात है कि जिसके लिए अलग से किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, हम में से हर एक अपने वजूद में उसको महसूस करता है। हाँ, जैसे फारसी जबान का एक मुहावरा है कि जब आफ्ताब उसकी रोशनी है तो उसके लिए दलील की अलग से ज़रूरत नहीं है कि सूरज है तो उसके लिए दलील दो। हाँ, एक चीज़ है कि जो हम खुद अपने वजूद में महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह सुबहान व तआला से जो दूर हो चुका हो, किसी भी वजह से कहीं किसी गुमराही में मुब्तला हो, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र उसे जोड़ता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्योंकि हिदायत का चराग है, निजात की कश्ती हैं। इस पर हमने बात की और यहाँ से थोड़ा सा हम बात को और आगे बढ़ाएंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र में कल्ब वो के जो मरीज हो चुका है उसके लिए शिफा है। ये कल्ब कौन सा मरीज होता है? देखिए, इमाम की मजलिस में जिस्म की भी गिज़ा होती है और रूह और कल्ब की भी गिज़ा होती है। ये अलग बात है कि कुछ लोग पूरा बाग खा लेते हैं लेकिन नियाज नहीं खाते हैं। वो पूरा बाग खा जाएंगे लेकिन रजब के कुंडे नहीं खाएंगे, वो बाग खा जाएंगे लेकिन मजलिस इमाम हुसैन का नियाज नहीं खाएंगे। लेकिन इमाम की मजलिस में जिस्म के लिए भी गजा है, उसकी भी एक मानवियत है, और कल्ब के लिए गजा है। कल्ब कब मरीज होता है? मौलाए कायनात ने फरमाया है कि आफतों में से एक आफत, बलाओं में से एक बला यह है कि इंसान फ़क्र में मुबतला हो। कभी भी पॉवर्टी को फैंटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। पॉवर्टी बहरहाल एक सख्त मुश्किल है। इमाम ने फरमाया कि बलाओं और आफतों में से एक आफत यह है कि कोई गुरबत में फ़ख्र में मुबतला हो। फिर इमाम ने कहा उससे ज़्यादा बड़ी मुसीबत और आफत यह है कि किसी का बदन मरीज हो, ये गुरबत से भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। कितने दुनिया में लोग ऐसे हैं कि जो लाखों और करोड़ों खर्च करने को तैयार होंगे कि उनका बदन सही और सालिम हो जाए, तो उससे ज़्यादा बड़ी मुश्किल ये होती है कि अगर कोई उसका बदन मरीज है तो गुरबत से भी बड़ी आफत है। फिर इमाम ने कहा कि इससे ज़्यादा बड़ी आफत यह है कि बदन मरीज होने के बजाय किसी का कल्ब मरीज हो, वो उससे ज़्यादा सख्त आफत है। अच्छा, ये कल्ब कौन सा मरीज होगा? फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नेमतों में से एक नेमत यह है कि किसी के पास वसअत माल हो, तो ये एक नेमत है अल्लाह की, इसका शुक्र बजा लाना चाहिए। और इस नेमत का शुक्र यह है कि जो साइल और महरूम है उन्हें उनका हक अदा किया जाए। तो नेमतों में से एक नेमत है कि किसी के पास वसअत माल है। फिर इमाम ने कहा इससे बड़ी नेमत यह कि किसी के पास बदन की सेहत है, और उससे बड़ी नेमत यह है कि कल्ब की सेहत है। इमाम ने कहा कि कल्ब की सबसे अफजल सेहत की शक्ल यह है कि कल्ब मुत्तकी हो। हाँ, जिसके दिल में तकवा है इसका मतलब यह है उसका दिल सालिम है, सही है। हाँ, उसके दिल में खौफ खुदा है। और अगर दिल में तकवा नहीं, इसका मतलब यह कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिल मरीज है। अब ये मरीज दिल का इलाज कहाँ होगा? मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में होगा। हाँ, सुभान अल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब उन्हें पत्थर मारे जाते थे ना, तो जब कश्ती बना रहे होते थे तो तबलीग के दौरान अंबिया अलैहिस्सलाम ने बड़ी ज़हमत और अज़ीतें बर्दाश्त की तो उनके जिस्म पे ज़ख्म हो जाते थे। तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुतय्यन किया था कि जो नाजिल होता था और अपने परों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जिस्म से मस करता था ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को शिफा मिल जाए। अब देखें क्या डर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। अगर नबी उनका बदन मरीज हो जाए
तो फरिश्ता आए अपने परों को मस करे ताकि नबी का बदन सेहतियाब हो जाए, और अगर फरिश्ते के बारों पर चले जाएं तो वो आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गहवारे से मस हो ताकि उसे बालों पर मिल जाएं। ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर। सुभान अल्लाह, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ यहाँ से वहां तक मिलकर पुरजोर हुसैनी सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर। तो यहां से इस तरह से शिफा है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि अहले बैत नबूवत से जो अपने आप को जोड़े हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबूवा व मौज़िउर रहमा, रहमत का मकाम है, आप सारी रहमतें आपके पास हैं, इल्म का खजाना है, हिल्म की इंतहा है। काश हम ये जो कल्ब मरीज होता है ना, ये भी एक नेमत होती है कि इंसान को यह पता हो कि उसका दिल मरीज है, वरना जहले मुरक्कब का बहुत से लोग शिकार होते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि नहीं पता, समझ रहे हैं? उन्हें यह भी नहीं पता कि वो मरीज है। ऐसे मरीज का इलाज नहीं हो सकता जिसको यह भी ना पता हो कि यह अल्लाह सुब्हान व तआला की नेमत है ना, कि अगर बदन में दर्द होता है तो अल्लाह की नेमत है ही। इसलिए कि बदन का जो दर्द है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा होता है कि कहीं जिस्म में कोई मुश्किल है, कोई सिस्टम सही नहीं है। इस तरह से कल्ब जब मरीज हो तो पता भी ना चल सके, ये इससे बड़ी आफत है। तो पता कैसे चलता है? ये पता इस तरह से चलता है, बास अहादीस का मफहूम इस तरह से, कुरान की आयत भी है, एक मिलकर सलावात भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है, ये पता इस तरह से चलता है कि अगर एक इसकी अलामत बयान की गई कि नमाज का वक्त हो गया है, मैं हदीस को सादा कर रहा हूं ताकि बच्चे भी समझ सकें, नमाज का वक्त हो गया है। वैसे तो दुनिया का कोई ऐसा जरूरी काम नहीं कि जो नमाज से ज्यादा जरूरी है, लेकिन फर्ज कीजिए अगर नमाज का वक्त हो गया है फिर भी मेरा दिल आमादा नहीं हो रहा कि मैं उठूं और पढ़ूं, बिला वजह मिसाल तौर पर इंस्टाग्राम की रील्स हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं, उसको मैं देख रहा हूं बगैर किसी मकसद के, बेमकसद, दुनियावी भी कोई मकसद नहीं है, बेतुका। ऐसा होता या नहीं होता बाज मरतबा? इसका मतलब यह है कि अभी वो कल्ब में रूहानियत नहीं है। हाँ, कि बिला वजह नमाज को आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा डिले कर दिया, पता भी नहीं चला, अरे एक घंटा निकल गया। ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जब दिल में ईमान पूरा ना हो तो नमाज भी पढ़ता कामों को साला सुस्ती के साथ होता है, ऐसा था जैसे किसी बदन किसी ने जकड़ के रख दिया। आयतुल्ला इस्फहानी काशी, वो एक जगह से गुजर रहे थे तो ईरान में एक सिस्टम होता था कि फाजिलाब जिसे कहते हैं, मिसाल के तौर पर जो वेस्टेज होता था वो एक जगह नीचे तहखाने में कुआं होता था, उसमें जमा होता था, उसके बाद उसको खाली किया जाता था। तो जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता था तो उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो एक शदीद कस्म की बू आती थी, तो कभी कभार पूरी गली में बू होती थी। तो एक जगह से गुजर रहे हैं, आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं से गटर उबल रहा हो तो कितनी ख़तरनाक बू होगी। तो वो बड़े बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, तो अब वो बड़ी बू आ रही है, उनके कुछ स्टूडेंट्स उसके साथ चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बू आ रही है, स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि जल्दी से निकल जाएं आगे, लेकिन ये कि ये चूंकि ज़्यादा जल्दी नहीं तेज़ चल सकते तो एहतराम में इनके साथ साथ पीछे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही है। तो उन्होंने महसूस किया, तो जब क्रॉस कर लिया उन्होंने तो उन्होंने कहा कि ये तुम इतना जल्दी यहाँ से क्यों भागना चाह रहे थे? कहा हजरत आपने महसूस नहीं किया कितनी गंदी बू आ रही थी यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि ये जो गंदी बू है इससे जो भागना चाहते हो, तो जब कोई गुनाह करते हो ना तुम्हारे रूह से ऐसी गंदी बू आ रही होती है, तो उससे क्यों नहीं भागना चाहते फिर? अल्लाह हू अकबर। हाँ, उससे क्यों नहीं अपने आप को बचाना चाहते फिर? बिलखुसूस कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसको हम छोटा समझ रहे हैं, नहीं छोटी, मैं आपको झूठ के लिए भी सुनाऊ, झूठ के लिए इमाम मासूम ने फरमाया, हुजूर मुकर्रम का फरमान है, जिन्हें सादिक और अमीन कहा जाता था, मुशरिकों ने सादिक और अमीन कहा, ये जो सादिक और अमीन हुजूर ने अपने आप को पहले कहलवाया है ना, उसके बाद कहा कि मुझे नबी मानो, इसका मतलब यह है कि सदाकत और अमानत दीनदारी की प्री रिक्विजिट है। मैं नमाजें पढ़ रहा हूं लेकिन सादिक और अमीन नहीं हूं अपनी सतह पर, इसका मतलब यह कि मैं दीनदार नहीं हूं, मैं समझ रहा हूं कि मैं दीनदार हूं, इसलिए जिसके पास सदाकत और अमानत है तो यह बेस है बिल्कुल दीनदारी की। तो हुजूर ने फरमाया कि कोई जो झूठ बोल रहा होता है तो उसके वजूद से ऐसी बू आती है कि फरिश्ते जिससे मुतनफिर होते हैं।
अब एक बू है हमें नहीं महसूस हो रही, हाँ वो फौजलात की बू महसूस हो रही होती है क्योंकि उसका ताल्लुक हमारे मादे से जिस्म से, जो रूह की बू है वो महसूस नहीं हो रही होती, वो इमाम ने बताया, वो हुजूर मुकर्रम ने फरमाया। और झूठ बोलने में ये भी शामिल है, एक तो मैंने मिसाल दी थी आपको, कहीं हमें जाना नहीं, हमने कहा इंशाल्लाह आऊंगा, ना बोले ऐसा, हमें पता है कि एक जगह पहुंचना मुझे 2 घंटे के बाद है, मैं कहा 15 मिनट में आ रहा हूं, कितना कॉमन है ये। अच्छा ये तो 2 घंटा 15 मिनट की मैंने मिसाल दी ना, फर्ज कीजिए कि मुझे आधे घंटे में एक जगह पहुंचना है, मैं कहा यार 15 मिनट में आ रहा हूं, मुझे पता है कि मैं आधे घंटे में पहुंचूंगा और वहां पहुंचकर ये कहूंगा कि वो ट्रैफिक जैम था। इन चीजों को हमने ऐसा समझा हुआ है कि बस इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे हमारे दीन पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे रूह पे क्या फर्क पड़ता है। बच्चों के साथ झूठ ना बोले बिलखसूस, ये जहर कातिल है बच्चे की तरबियत के लिए। अगर हमने बच्चे के साथ झूठ बोला, जनाब अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बच्चे के साथ झूठ बोल रहा है तो बच्चों के साथ इसलिए झूठ ना बोलो कि वो तुम्हें अपना राजक समझ रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो ये समझ रहे होते हैं कि उनका रिस्क तुम दे रहे हो, तो अगर वो तुमसे मिस्ट्रस्ट हो जाएगा, उनका यकीन खत्म हो जाएगा, तो आपने ये कहा बच्चे से कि बेटा कभी बाहर निकल रहे होते हैं आप घर से, वो लिपट गया, आपने कहा बेटा मैं 2 मिनट में आ रहा हूं जान छुड़ाने के लिए, कभी कहा कि मैं कल लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाएंगे तो ना कहें कि मैं लेके जाऊंगा। कुछ लोग होते हैं कि जो अच्छी नीयत के लिए झूठ बोलते हैं, अच्छी नीयत के लिए झूठ कैसे हो सकता है। मैं एक जगह का नाम नहीं लूंगा, वेस्टर्न वर्ल्ड की एक बात है, वहां पर एक मोमिन थे, उन्होंने मुझे कहा कि मौलाना मेरी बेटी जो कि दीन की बड़ी पाबंद है, तो हम जब सुपरमार्केट जाते हैं तो वहां पर उसको चॉकलेट्स खाने का शौक होता है, हम नहीं चाहते कि चॉकलेट्स खाए, और वाकई ये बेहतर नहीं है बच्चे के लिए, जितना जंक फूड आप उसको देंगे इतना ज्यादा हाइपर होगा वो, जितना जंक फूड बच्चे को आप देंगे इतना ज्यादा वो शहवत में भी मुबतला होगा, ये भी याद रखिएगा जी। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। बच्चे की जो शहवत ज्यादा जल्दी बढ़ती है उसकी वजह यह होती है कि उसको हम बहुत ज्यादा जंक फूड देते हैं और वो हाइपर भी उससे बहुत ज्यादा होता है, तो कह रहे हैं कि वो हम नहीं चाहते थे कि वो चॉकलेट खाए, तो मैंने उससे कहा कि बेटा ये हलाल नहीं है चॉकलेट, तो वो इतनी दीन की पाबंद, उसने कहा अच्छा अच्छा हलाल नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, जबकि उसमें हलाल हराम का मसला नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि आप अगर खिला दे तो शायद ये ज्यादा बेहतर था, इसलिए कि जब 2-3 साल बाद उसको ये पता चलेगा कि नहीं ये तो चॉकलेट तो हलाल थी, ये तो मेरे बाबा ने वैसे ही कहा था, तो आपने जो उसको सही बताया है उस पर यकीन रहेगा उसका। जब हमने बच्चे के साथ अगर झूठ बोला है, कई मर्तबा झूठ बोला है, उसके बाद हम कहेंगे कि बच्चा आप नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह सवाब देगा, उसको यकीन रहेगा उस पर? उसको जब हमारी दुनिया की बात पे यकीन नहीं रहेगा तो हमें उसकी आखिरत की बात पे भी यकीन नहीं रहेगा। हम कहेंगे बेटा कुरान पढ़ो तो सवाब मिलेगा, वो कहेगा पता नहीं है सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। तो आज एक खास जगह से बात का आगाज हुआ आज के मौजू के हिसाब से, और मैं चाहता हूं कि बात अच्छी तरह जहन में बैठे। तो सदाकत और अमानत, तो अगर फर्ज कीजिए कोई झूठ बोल रहा है उसके बदन से बू आएगी, रूह से बू आएगी, असल में ये हकीकत है, ये हदीस में हम महसूस नहीं करते, हदीस में आसमान के मलाइका मुतनफ़िर हो जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल इंशाअल्लाह महफूज रखे हमें, सदाकत और अमानत जैसी सिफात को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, एक दुरूद का और सहारा दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमें जो कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, कुरान का हुक्म है सच्चों के साथ हो जाओ। अब मुश्किल ये हुई है हिस्ट्री में कि हमारे बाज़ भाइयों ने कहा सभी सच्चे हैं, मसला ये हुआ है हिस्ट्री के साथ कि सच्चों के बारे में भी झूठ बोला गया। ये बात समझ में आई, सच्चों के बारे में भी झूठ बोला, सारे ही सच्चे हैं, सारे सच्चे कैसे हैं मेरे भाई, हाँ एक दूसरे के मुकाबले पर भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ तलवार भी उठाते हैं, हिस्ट्री में जाके देखें तो मैं मिंबर से तो कोट भी नहीं कर सकता, एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं, हिस्ट्री में तो है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और सारे सच्चे हैं, यानी ये सारे जन्नत में होंगे। तो ये तो बड़ी कंफ्यूजन है, मतलब इस जन्नत में जाना तो हमारे लिए तो बड़ा प्रॉब्लम है। ये किसी ने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि ऐ मौला मुझे समझ में नहीं आ रहा, देखें मैं किसी पर
टॉन्ट करते हुए बात नहीं कह रहा, और ना मेरा मिजाज है कि मैं करूंगा ये, मैं एक हकीकत आप खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। तो कहा कि जमल में मुझे मौला ये समझ नहीं आ रहा अली, क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियां इस तरफ भी हैं और आप भी दामाद रसूल हैं, रसूल के चचेरेदाद भाई हैं, तो किस तरफ हक है मेरी समझ में नहीं आ रहा। उस वक्त अल्हा जुबैर उस तरफ हैं, ज़ौजा रसूल उस तरफ हैं, तो मेरे मौला ने क्या कहा? मेरे मौला ने जवाब दिया कि सुभान अल्लाह, हक और बातिल का फैसला अफराद पर न करो, बल्कि अफराद का फैसला हक और बातिल पर करो। ये उसूल समझ में आया आपको? ये इब्न अबी लदीद मुतज़िली ने कहा है कि कलाम अरब में इससे ज्यादा फसीह व बलीग जुमला नहीं कहा गया। एक जगह पर इस तरह की ताबीर मिलती है कि अफराद की कसौटी पर हक और बातिल का फैसला नहीं करो, कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर है तो यकीनन हक पर होंगी ना। पहले देखो एरफुल हक तारिफ अहला, एरफुल बातिल तारिफ अहला, पहले देखो हक कहां है फिर अहले हक समझ में आएंगे, पहले देखो बातिल कहां है फिर अहले बातिल समझ में आएंगे। ये मौला ने उसकी सतह के मुताबिक जवाब दिया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये उसूल तो सही है कि अफराद की कसौटी पर हक और बातिल को नहीं फैसला करो, हक और बातिल को समझकर अफराद का फैसला करो, ये उसूल सही है सिवाय खुद अली इब्न अबी तालिब के लिए, इसलिए कि अली उन माल हक वल हक को मालियन, तो अली की शख्सियत से हक का फैसला होगा, किसी और की शख्सियत से नहीं हो सकता, लेकिन मौलाए कायनात की शख्सियत से होगा, इसलिए कि हुजूर ने कहा कि अल्लाहुम अदिल हक है सुमादार, परवरदिगार हक को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ अली मुड़ जाए, ये नहीं फरमाया कि अली को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ हक मुड़ जाए, ये फरमाया कि हक को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ अली मुड़ जाए, इसलिए कि अली इमाम उल अव्वलीन वल आखिरीन है, इमाम आगे होता है, अली हक के इमाम है, हक अली के पीछे पीछे, हाँ अली हक का मरकज है, कुतुब आलम इमकान है, अली मौलल मोमिनीन है, अली यासुबुद्दीन है, अली नबा अजीम है, अली मुबीद शिर्क वल मुशरिकीन है, अली कातिल नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन है, अबुल यतामा वल मसाकीन है, बाबो हिकमत रब्बिल आलमीन है, अमूदुद्दीन है, अव्वलुल आबिदीन है, अली शबीह हारून है, अली नफ्सुर रसूल है, अली जौजुल बतूल है, अली सैफुल्लाहिल मसलूल है, अली अमीरुल बरारा है, कातिलुल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन नार है, साहिबुल लिवा है, सैयदुल अरब है, कशाफुल कुरब है, सिद्दीक अकबर है, कशाफुल कुरब है, मौज़े अजब है, सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, हाँ अली इमाम मुबीन है, अली कर्रार है, गैर फर्रार है, बरादर जाफर तैयार है, हाजिमुल अहज़ाब है, कासिमुल असलाब है, मुइज़ुल औलिया है, मुज़िलुल आदा है, अख़दबुल खुदवा है, अबू सैयद शोहदा है, इमामुल आइमत वल अतकिया है, सैयदुल अरब है, मौज़ुल अजब है, तालिबी है, मक्की है, मदनी है, हाशमी है, उर्वतुल उस्का है, मिसबाहुद दुजा है, लैसुल वरा है, इब्न अम्मिल मुस्तफ़ा है, वलीउल्लाह है, सिर्रुल्लाह है, बाबो हिकमतुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, और हुब्बे अली रहमतुल्लाह है, और बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह है, मिलके सलवात। और यकीन फरमाइए कि जो सारे अलकाब हैं, अगर इनमें से कोई एक भी कुरान या सुन्नत में मौजूद ना हो तो मैं मिंबर पर आना छोड़ दूं। हमारे इमाम वो नहीं है कि जिनके लिए लकब तराशने की जरूरत पेश आए। हाय हाय हाय,
बल्कि एक हदीस रसूल भी, उस पर एक अरब शायर का शेर भी है, मुल्ला रजाए हिंदी, हिंदुस्तान से वो आए और अलबत्ता एक्चुअल तो अरब से थे लेकिन चूंकि वहां पर भी तशरीफ ले गए लिहाजा उनके नाम के आगे हिंदी लगता है। इंतकाल हो गया उनका और बड़ा एक शौरा आफाक उन्होंने कसीदा कहा अमीरुल मोमिनीन के लिए, 54 उसके बैत हैं, और खुद अरब वर्ल्ड में और खुद खास तौर पर हौज़े इल्मिया की दुनिया में, हौज़े इल्मिया नजफ़ और हौज़े इल्मिया कुम में उस कसीदे का खास मकाम है। उसमें उन्होंने एक शेर लिखा है अरबी में कि अफ़आलुल खैर इज़न तशरद फ़िन्नास फ़अंत लहा मसदर, कि ए अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये दुनिया में बल्कि कायनात में जितना भी फ़ेल खैर कुछ भी अच्छाई वो फैली है, फ़अंत लहा मसदर, उसका सोर्स आप हैं ए अली इब्ने अबी तालिब, सोर्स आप हैं। इन दुकर अल खैर कुंतुम अव्वला व असला व फरअ व मअदना व मअवा, मैंने आपसे कहा था ज़ियारत जामे कबीरा को देखिएगा, ये उसी का जुमला है। अगर खैर का जिक्र किया जाए तो खैर का अव्वल भी आप है, खैर का मादन भी आप है, खैर का मखजन भी आप है, खैर का आखिर भी आप है, खैर की इब्तिदा भी आप है, खैर की इंतहा भी आप है। जहां कहीं कोई खैर है, हाँ, जो खालिस नेकी और खैर है वो यहां से, बल्कि मौलाए कायनात हर कमाल का इस्तेआरा बन गए। मुझे जोश मली आबादी की किताब है, यादों की बारात उसका नाम है बहरहाल, लेकिन जोश मली आबादी की चूंकि किताब है और वो बड़े अजीम शायर गुजरे, तो मैं वहां से मौला अली सलाम के सिलसिले में एक छोटी सी वाक्य आपको सुनाऊं कि हर कमाल का सोर्स और मजदर मौला अली अलैहि सलाम है, तो हर कमाल को मंसूब किया जाता है मौला अली से, और अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो कोई खास कमाल की कैफियत तो उसको मौला अली के नाम से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अपने जमाने का एक वाक्य लिखते हैं कि एक ईरानी शिराज से वो गए हिंदुस्तान, तो वहां उन्होंने आम खाए। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आम सारी दुनिया में एक खास शोहरत रखते हैं, तो वो आम खाए उन्होंने, उन्होंने आम पहली दफा खाया था तो बड़ा लजीज लगा उन्हें, तो जब वापस आए तो उन्होंने शिराज वालों से ये कहा कि वहां पर एक फल है जिसे आम मसलन कहते हैं, और वहां तो वो अवेलेबल नहीं था ईरान में, आज तो फिर भी कुछ अवेलेबल है, उस वक्त तो लोगों को पता ही नहीं था, उन्होंने कहा कि ये खास फल है तो मीठा होता है बहुत, तो उन्होंने कहा कि क्या अंगूर और सेब से भी बेहतर है, क्योंकि ईरान में अंगूर सेब तो होते हैं, कब्बा मराहिल बेहतर है, कहा अच्छा फिर जायका बताओ कैसा है उसका जायका। तब ये कहते हैं कि भाई किसी फल का मजा कैसे बताएं आप, किसी फल का मजा आप कैसे बताएं किसी को जिसके बाद में उसने ना चखा हो, तो आप कैसे बताएं कि ये मजा है, तो कहा बताओ, कहा भाई मीठा होता है बहुत, कहा मीठा तो सेब भी होता है, सेब की तरह मीठा होता है, कहा नहीं सेब की तरह नहीं वो एक अलग मीठा है, कहा भाई वो कैसा मीठा है बताओ। कहते आखिर में बस मैंने कहा कि अब मैं क्या बताऊं तुम्हें क्या मीठा है, बस ये समझ लो कि मौला अली मुर्तजा हैं जो हलक से उतरते चले जा रहे हैं, यानी ये कि हर कमाल, कहना मैं ये चाह रहा हूं जो कमाल है ना वो मंसूब है अली इब्ने अबी तालिब से, हर अच्छी सिफत हर कमाल क्या कहना वो मौला अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने और आपको अता किया, सही है, तो अफ़ालुल खैर इज़न तशरद फ़िन्नासिफ़ अंतलहा मस्तर, अली इब्ने अबी तालिब आप उसका सोर्स है। हाँ, इसलिए अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा मौज़िया रहमा है ना, मौज़िया रिसाला व मादिना रहमा, रहमत की कान है आप, इल्म का खजाना है, इल्म की इंतहा है आप, और हर खैर का सोर्स जब यहां है तो अब मैं एक और फिक्रा कहने लगा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दुआ से नवाजेंगे। हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जब कायनात का सारा खैर यहां जमा है तो हुसैन फकत अलैहिस्सलाम नहीं है, हुसैन अलैहिस्सलाम बनाने वाले हैं, हुसैन फकत अलैहि सलाम नहीं है, हुसैन अलैहि सलाम बनाता है, हौर को अलैहि सलाम, सुभान अल्लाह, हौर को अलैहि सलाम बनाया हुसैन ने, वहब को अलैहि सलाम बनाया हुसैन ने, जुहैर कैन को अलैहि सलाम बनाया हुसैन ने, वहाब कल्बी को अलैहि सलाम बनाया हुसैन ने, ये सारे वो हैं कि जो बाद में ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ, हुसैन खुद अलैह सलाम नहीं, अलैह सलाम बना देता है हुसैन, क्या वली और आखिरी सलाम करें उस पर जो हुसैन से मिल गया,
उस समंदर की तरह है। समंदर में अगर कोई आ भी जाती है ना नजासत, तो अपने आप को अगर फना कर दे तो वो पाक हो जाती है। वाला अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, गुफ्तगू मरबूत है, मैंने आपसे कहा था सलाम हो अब अब्दुल्ला हुसैन आप पर और उन रूहों पर जो आपके आस्थाने पर आकर फना हो गई, यहां फना हो गई आके। तो जब फना हो जाए तो जब खत्म हो जाए, एक होता है कलील पानी, एक होता है कुर पानी। कलील पानी क्या होता है, छोटा पानी है, वो खुद तो पाक है, ताहिर है, लेकिन मुताहिर आगे पाक करना उसके लिए मुश्किल है। जैसे ही नजासत मिली खुद नजिस हो गया है या नहीं। हम में से हर एक भी अलग अलग तरह का है, कुछ है कलील पानी की तरह है तो पाक, लेकिन जैसे ही कोई सामने हराम मंजर आया, कोई मौका आया हराम का, संभाल नहीं सके अपने आप को, नजिस हो गए। कुछ है जो कुर पानी की तरह है, कुर पानी उस वक्त तक नजिस नहीं होता जब तक उसका रंग वो जायका ना बदल जाए। हाँ, अहले बैत अथहार अलैहिस्सलाम की मिसाल है समंदर की तरह। हाँ, समंदर की तरह यानी क्या, समंदर में आप कुछ भी मिलाते जाइए, समंदर ने पाक रहना है। हाँ, वो औरों को भी पाक करता जाएगा। एक बात है फकत, कोई समंदर के पास कुत्ता लेके जाए डुबोता रहे तो कुत्ता पाक होगा, समंदर पाक रहेगा। अब चाहे कुत्ता समंदर के पहलू में बहुत देर बैठा भी रहे तब भी नजिस रहेगा, वो नजिस रहेगा। लियाकत नहीं है ना कि पाक हो सके। हाँ, जरफियत और लियाकत भी तो हो कि पाक हो, फिर वो समंदर पाक करेगा, तो वो समंदर फिर पाक करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि हम जुड़ना चाह रहे हैं उस ताहिर और मुताहिर बहरे बेकरा से, कि अगर हम लियाकत और जरफियत लेके जाएंगे तो पाक हो जाएंगे। मैं अभी मसाइब से थोड़ा सा दूर हूं। हजरत मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हुर अलैह सलाम का जिक्र मुझे करना है, कहते हैं दोजख से जब आजाद किया हुर को खुदा ने, क्या मिसरा लिखा है, हुसैन ने आजाद किया यानी खुदा ने आजाद किया, दोजख से जब आजाद किया हुर को खुदा ने, खुलवा दिए फिरदौस के दर उख्दा कुशा ने। उख्दा कुशा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो मुश्किलात का दर खोलने वाले हैं ना कि वो हल हो जाएं, वही जन्नत का दर खोलने वाले हैं। दोजख से जब आजाद किया हुर को खुदा ने, खुलवा दिए फिरदौस के दर उख्दा कुशा ने, जानों पे सर रखा सर जो इमाम दो सरा ने। अब क्या हुआ, जानों पे रखा सर जो इमाम दो सरा ने, आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की दुआ शामिल हाल है हुर के, चूंकि उसने एहतराम रखा है, बीबी फातिमा सलामुल्लाह के नाम का एहतराम रखा है, तो आला की अदना को बुजुर्गों की दुआ ने, सब जिसके तलबगार थे जन्नत में वो दूर था, हूरा ने जिना गिर्द थी और बीच में हुर था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर मैंने दो मिसरे आपको इसी से सुनाए थे चांद रात के मजलिस में, अब तकरीबन बहुत सारे मोमिनीन दूसरे भी हैं तो फिर मैं दोहरा दूं उसको, वो ये कि काबे की तरफ देर से गो देर से पहुंचा। देर कहते हैं वो इबादत खाना जहां खुदा के अलावा किसी और की इबादत हो रही हो, उसको कहते हैं देर। तो देर में है हुर, उस जगह पर है जहां खुदा के अलावा गोया किसी और की परस्तिश हो रही है, वहां से आ रहा है काबे की तरफ, काबे की तरफ देर से गो देर से पहुंचा, शर ने उसे रोका था मगर खैर से पहुंचा। हाँ, खैर से पहुंचा का मतलब क्या है, आप एक जगह जाते हैं पूछते हैं आपके घर वाले पहुंच गया, आपने खैर से पहुंच गया यानी बगैर तकलीफ के पहुंच गया, तो खैर पर भी पहुंचे हुर और खैर से भी पहुंचे हुर। हाँ, खैर से भी पहुंचे खैर पर भी पहुंचे, तो एक तो हुर की मिसाल है, ज़ुहैर ख़ैन की मिसाल है, ज़ुहैर ख़ैन शुरू से सामने साथ नहीं है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद में ज्वाइन किया उन्होंने, और इमाम हुसैन सलाम का काफिला एक जगह रुका हुआ है और इमाम ने भेजा, किसी को भेजा जिसे उस वक्त ज़ुहैर नहीं पहचान सके, बाद में पहचाना उन्होंने, और उस वक्त वो इमाम हुसैन सलाम के साथ जाना भी नहीं चाहते थे इब्तिदा में। इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील किया है और उन्होंने मक्का छोड़ दिया, इमाम ने, ज़ुहैर ने हज पूरा किया, वो भी हज पते, उन्होंने हज पूरा किया, तो लिहाजा वो इमाम हुसैन के पीछे पीछे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा गैप है, ज़ुहैर कूफा में रहते हैं, इमाम भी कूफा की तरफ जा रहे हैं, तो ज़ुहैर का काफिला थोड़ा सा जल्दी पहुंचते हुए इमाम को करीब ज्वाइन हो गया, एक मंजिल ऐसी आई कि दोनों एक साथ रुके में,
زہیر کو امام حسین السلام نے کہا کہ کسی کو بھیجا، زہیر سے کہنا میرے پاس آئے. زوجہ نے کہا کہ، زہیر کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں تو بہتر ہے، پھر اگر حسین کچھ کہیں گے تو میں منع نہیں کر سکوں گا. زوجہ نے کہا کہ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا اور سب یہ کہیں گے کہ حسین نے بلایا تھا اور زہیر نہیں گئے. یہ دیکھیں ایک خواتین کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کبھی مرد کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہو تو خاتون اسے کیسے بچا لے. کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے بلایا اور تم نہیں گئے تو کیا کہا جائے گا، جا کے سن تو لو، پھر کوئی معذرت کر لینا. اور زہیر پہنچے وہاں پر، خیمے کے اندر کیا بات ہوئی خدا جانتا ہے، لیکن جب وہ خیمے سے باہر نکلے تو لفظ ہے تاریخ میں، وہ لفظ میں یہاں پہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پہلے کس مسلک پر تھے، سارا حسینی حسینی بن کر نکلے. اور لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا جلدی آپ کیسے منقلب ہو گئے. کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب میں خیمے میں پہنچا تو مجھے اس وقت یہ پتا چلا کہ اب عبدالعال حسین علیہ السلام نے مجھے لینے کے لیے جس ہستی کو بھیجا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ حسین کے جوان علی اکبر تھے. حسین نے شبیہ رسول کو بھیجا تھا مجھے لینے کے لیے، تو اب میں کیسے انکار کر سکتا تھا کہ جب ہم شکل نبی آ جائیں، گویا یہ کہ نبی میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں. تو زہیر منقلب ہوئے، وہب منقلب ہوئے. دس دن میں سے کچھ گزر گئے، کچھ باقی ہیں. کون اپنے آپ کو بدل سکتا ہے؟ ہاں، کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمیں اگلا محرم بھی نصیب ہوگا، اس کے بعد نصیب نہیں ہو سکا، چلے گئے دنیا سے. اور اللہ جانے جب اگلے برس پھر محرم کا چاند آئے تو مجھ سمیت یہاں جتنے تشریف فرما ان میں سے کون ہو تو کون نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عمر نو عطا فرما انشاءاللہ سے. لیکن یہ وہ دس دن ہوتے ہیں کہ جو الگ ہی سے گویا نازل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یہاں پر ہدایت کا جو امکان ہے نا، اس میں دل نرم ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا ذکر آپ سن رہے ہوتے ہیں، بالخصوص آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. آنسو بہانے سے ہارٹ کی ایسی کلینزنگ ہو جاتی ہے کہ پھر جو حق کی نصیحت ہوتی ہے قبول کرتا ہے انسان، سبحان اللہ. اس لیے امام حسین علیہ السلام کی مجلس فقط امام حسین کی عزاداری نہیں ہے، یہ حسین سے وفاداری ہے. عزیزان گرامی، کاش میں ایک بات اور کہہ دوں اور بات تمام کروں. حسین ابن علی نے جو خطبہ بھی دیا ہے نا عاشور کے دن، اس میں فرمایا کہ دیکھو میں الگ سے کوئی بات بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ سکیں بچے، ایک رینڈم گائے کو کھڑا ہو جائے اور آ کے کہے کہ میں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، میں دیکھو تو صحیح کہ کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں. ہاں، مولا علی جی نے ابھی طالب علیہ السلام سب سے پہلے تو رسول اللہ کا نام لیا، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اور میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اور امام نے فرمایا کہ جہاں کہیں مشرق اور مغرب میں چلے جاؤ، کوئی ایک میرے علاوہ نہیں ہے جو اس وقت یہ کہہ سکے کہ میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں سوائے میرے. ہے کوئی؟ بتاؤ، کوئی نہیں ہے. اس لیے میں اس سلسلے سے ہوں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ کی طبیعتیں تو منقلب ہو گئی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی مکمل کر لوں. جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حدیث منیت، حدیث رائیت اور حدیث منزلت، یہ تین حدیثیں جو کتاب البخاری میں ہیں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کی. ایک تو یہ کہ جب مولا علی نے بتوں کو توڑا تھا تو حضور نے کہا یا علی انت منی وانا من کا، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. ایک یہ کہ کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اللہ اس کے رسول سے محبت کریں گے. اور جو تیسری حدیث ہے اس کا تعلق امام حسن سے بھی ہے، امام حسین سے بھی ہے، کہ حضور نے فرمایا یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی، تمہاری مثال مجھ سے ویسی ہے کہ جیسے ہارون کی مثال موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. لہذا امام حسن کی ولادت پر بھی اور امام حسین کی ولادت پر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتہ نازل ہوا آسمان سے اور اس نے نازل ہو کر یہ کہا کہ چونکہ علی آپ کی امت کے ہارون ہیں اور ہارون کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام شبر تھا، تو آپ کی امت کے ہارون کے بڑے بیٹے کا نام ان کے نام پر رکھیں. اور شبر چونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے لہذا اس کا اردو ترجمہ ہوا، عربی ترجمہ ہوا حسن، لیکن حسن وہ نام ہے کہ جو اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، اور حسین بھی وہ نام ہے کہ حسین اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، سبحان اللہ. تو مولا علی علیہ السلام ہارون ہیں، رسول اللہ موسیٰ کی طرح ہیں، اور حسن اور حسین وہ شبیر اور شبر جسے ہم کہتے ہیں، یا شبر اور شبیر دونوں تلفظ کیے جاتے ہیں. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں،
अगर मौला अली हारून अलैहिस्सलाम की तरह है ना, तो सूरह यूनुस की आयत नंबर 87 जाके देखिएगा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 87 ये है कि हमने बनी इसराइल के लिए मूसा और हारून को हुक्म दिया कि उनके घर बनाएं, वजअलू बुयूतकुम क़िबला। मैं बहुत तवज्जो चाहता हूँ, इसके बाद मैं मसाइब पे जा रहा हूँ, आपसे दुआ का तालिब हूँ। और हमने मूसा और हारून को हुक्म दिया कि आपका घर क़िबला होगा बनी इसराइल के लिए। अली है हारून, बात समझ में आ रही है? जब हारून अलैहिस्सलाम का घर था क़िबला बनी इसराइल के लिए, मुझे अली के घर का तो नहीं मालूम, लेकिन अली का सच्चा खाना जरूर क़िबला है आलमीन के लिए। हाँ, और ये वो क़िबला है कि जिस क़िबले को बचाया हुसैन इब्ने अली ने, अली के बेटे ने, वहां से हिजरत करके बचाया। हुसैन ने काबे की हुरमत की खातिर छोड़ा काबा, पहुंचे करबला मोहल्ला, दो मुहर्रम को करबला पहुंचे, फौजें आना शुरू हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खियाम जो के फुरात के करीब थे उसे हटा दिया गया। इमाम नहीं चाहते थे कि पानी पर जंग हो। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इकदामात को देखें तो आखिर वक्त तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद से जंग करने को अवॉइड करते रहे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग नहीं की खुद से। आशूर का दिन आया, हमला उला हुआ। हमला उला का मतलब है कि वहां से तीर चलना शुरू हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तकरीबन 50 के करीब जानेसार साथी वो शहीद हो गए, पहले ही हमले में शहीद हो गए। उसके बाद 72 का अदद वो तो इसलिए कहा जाता है कि एक के बाद एक जो शहदा गए उससे पहले 50 के करीब और शहीद हो चुके थे। लेकिन उस दौरान एक वाकया पेश आया, और वाकया पेश आया कि यजीद के लश्कर से एक शख्स ने चलना शुरू किया हुसैन की तरफ। ये वो है कि जिसने चंद लम्हों में पूरी तारीख बदल दी है। ये वो है कि जो अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह व अहबा, अस्सलाम वालेकुम या असफिया अल्लाह व अविद्दा, अस्सलाम वालेकुम या अंसार दीन अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अंसार रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अंसार अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या अंसार फातिमा ज़हरा सैयदत निसाए आलमीन के फ़िक्रों में है। ये वो है, ये वो है कि बड़े से बड़े आलिम आयतुल्ला, आयतुल्ला मोहसिन हकीम के लिए कहा जाता है ये, कि वो जब जाते थे हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर तो उनसे कहते थे कि ए हुर, आप सैयद नहीं थे, मैं सैयद हूँ। आप क्योंकि हुर अलैहिस्सलाम कोई फकीह तो नहीं थे ना मशहूर, लेकिन आयतुल्लाह मोहसिन हकीम फकीह थे। क्या मैं बुजुर्ग भी हूं? आप 40 बरस के सिन के थे, मैं बुजुर्ग हूं। ये सब होने के बाद भी मैं एक अदना से इंसान की तरह सर झुकाकर आपकी जरी के सामने खड़े होकर आपकी जियारत पढ़ रहा हूं, इसलिए कि आपने अपना नफ्स कुर्बान किया है, आपने अपना नफ्स कुर्बान किया है। आसान नहीं है ये। हाँ, जो कल मैं कह रहा था, लाखों बरस शैतान सजदा करता रहा लेकिन नफ्स नहीं मारा था, आपने अपना नफ्स मारा, नफ्स खत्म किया, ईगो खत्म। मैं गलती पर था, गलती माफी मांगूंगा जाके, लेकिन उसके लिए कुर्बानी दी बड़ी। इमाम हुसैन का रास्ता जब रोका था ना हुर ने, तो इमाम ने एक जुमला कहा था, सकलत का उम्मू का या हुर, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तेरी ये जुरत कि तूने हुसैन का रास्ता रोका। अब ये जो कहना है जुमला, ये एक तरह से मसलन बद्दुआ समझी जाती है कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे, यानी कि तुझे मौत आ जाए तेरी माँ तेरे गम में बैठे। ये हुसैन क्यों कहेंगे? हुसैन रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे किसी को बद्दुआ क्यों देंगे? इमाम हुसैन, इमाम हुसैन ने बद्दुआ नहीं दी। इमाम हुसैन जानते थे कि जब मैं इसे इसकी माँ याद दिलाऊंगा तो इसे मेरी माँ फातिमा याद आएगी। इमाम जानते कि इसकी हिदायत का रास्ता मेरी माँ की मोहब्बत से निकलता है। समझ में आ रहा है बीबी फातिमा तो जहरा की मोहब्बत क्या है? इसकी हिदायत का रास्ता यह है कि इसके दिल में वो जो मोहब्बत जहरा है ना, वो बेदार हो जाए। होट ने फौरन पीछे हटके कहा कि अगर अरब में मुझसे किसी ने जुमला कहा होता तो मैं पलट कर वैसे ही जवाब देता, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी माँ सैयदतु निसाए आलमीन है, मैं पलट कर ये जवाब नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, ये एहतराम फातिमा था कि जो हुर को बचा गया। उसके बाद हुर चले। ये सारी वो बातें थी कि जो मैं फकत मसाइब में नहीं पढ़ रहा था, ये थोड़ा सा बेदारी के लिए भी पढ़ रहा था। इंसान तस्किया नफ्स की एक मंजिल पर आए, कौन सा इंसान ऐसा जिसने भी खता नहीं है, गुनाह नहीं है? आए हुर के सदक़े में, या अब अब्दुल्लाह हुसैन, क्या मेरे लिए भी तौबा है? हल्ली मिन तौबतिन, हुर ने आके ये पूछा। उससे पहले चूंकि हुर की
आंखों में पट्टी थी तो उसे नजर नहीं आ रहा जब वो चल रहा है हुसैन की तरफ, शर्मिंदा है ना। सकीना की अलतश की सताओं ने हुर को बदल दिया। शबे आशूर, शबे आशूर अपने खैमे के बाहर, मैंने अर्ज किया ये गिरिए की भी बातें हैं, ये अपने नफ्स को पलटने के लिए भी, इस्लाह के लिए, अपने अंदर वजूद में इनकलाब आ जाए, एक एक लफ्ज इसमें नसीहत है। बेचैन है तो उमर साथ ने पूछा या लश्कर यजीद में से किसी ने पूछा कि कल जंग है इसलिए इस्तराब है, तुम तो बड़े बहादुर हो। कहा नहीं, जंग की वजह से इस्तराब नहीं है। ये कौन अमिनल इंसाफ, ये लफ्ज है उसका, क्या ये ठीक है कि हमारे तो घोड़े भी पानी पिए? क्या ये ठीक है कि हमारे घोड़े पानी पीते रहे और हुसैन के अतफाल तीन दिन के भूखे प्यासे रहे? इसका मतलब यह है कि बजाहिर अलतश की सदाएं हो वो होर ने सुनी होंगी। यह है इमाम हुसैन की प्यास ने कितनों को बदल दिया। इसलिए आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, जब भी पानी पिए, देखें अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन का जिक्र इतना आसान रखा है ना, कोई मजलिस नहीं हो रही, कोई अरबईन में आप नहीं जा पा रहे, ज्यारत पे नहीं जा पा रहे, कहीं तौफीक नसीब नहीं हो रही, पानी तो पियेंगे या नहीं पियेंगे? पानी को देख कर कहें सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुल्लाह। इमाम मासूम का वादा है कि जो पानी पीते हुए हुसैन की प्यास को याद करे, हुसैन पर सलावात भेजे, हुसैन के कातिलों पर लानत भेजे, अल्लाह 1,00,000 दर्जात बढ़ा देता है, 1,00,000 गुना माफ फरमाएगा, 1,00,000 नेकी अता फरमाएगा। ये हदीस है इमाम है। तोहर की आंखों में पट्टी है तो उसने कहा चल रहा है वो, अब बेटे के साथ साथ आशूर का दिन है, बेटे ने अचानक कहा अल्लाहु अकबर। कहा बेटा ये तकबीर क्यों कही है तुमने इस वक्त? कहा बाबा वो शबीह रसूल अली अकबर है ना हुसैन के बेटे, वो आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते आगे, वो ऐसा लग रहा है हमें लेने के लिए आ रहे हैं। फिर बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। कहा बेटा ये फिर क्यों तकबीर कही? कहा बाबा वो अलमदार हुसैन अवल फजल अब्बास अलैहि सलाम भी आगे बढ़ रहे। फिर बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहा बाबा वो खुद फातिमा जहरा का लाल हुसैन खुद आ रहे हैं बाबा। हा, 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 हा। हुसैन अलैहि सलाम खुद तशरीफ ला रहे हैं। हुर ने आकर इमाम हुसैन अलैहि सलाम के कदमों में सर रखा, हल्ली मिन तौबतिन, क्या मेरे लिए भी कोई तौबा की गुंजाइश है? हुसैन ने उठाया कि अंत हुर्रुन फि दुनिया वल आखिरा, ऐ हुर तो दुनिया में भी आजाद है आखिरत में भी आजाद है, मैंने माफ किया मेरे रब ने माफ किया। क्या शान है इमाम हुसैन अलैहि सलाम, क्या शान है करीमी है। बस उलमा ऐसा बयान करते हैं कि हुर ने जाकर खैमे के बाहर से शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह से माफी मांगी, कह फातिमा की बेटियों मैं आपके कारवान को घेर कर यहां लाया, जब पानी बंद हुआ आपके बच्चों पर तो मैं पानी बंद करने वालों में से था, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं। तो उलमा ये बयान फरमाते हैं कि औनो मोहम्मद तशरीफ लाए और फरमाया कि हमारी वालदा ने आपको सलाम कहा है। या अल्लाह, हुर का वजूद कांप उठा, हुर का वजूद कांप गया। उसके बाद माफी मांगने के बाद मैंने एक बुजुर्ग आलिम उनसे यह भी जुमला सुना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि हुर हुसैन बल्कि शर्मिंदा है कि जब कल दुश्मन बनकर आए थे तो तुम्हारे घोड़ों को भी पानी पिलाया था, आज दोस्त बनकर आए हो लेकिन हुसैन के पास एक कतरा है, आप नहीं है कि तुम्हारी कोई खिदमत कर सके। कि मौला मैं तो फकत आया हूं इसलिए कि बस मुझे गुनाहों का कफारा हो जाए, मेरा बेटा उसे इजाजत दें आप जाए वो मक्तल की जानिब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाजत मिली, हुर के बेटे का नाम अली है, वो गया मक्तल की तरफ और जैसे ही जमीन करबला पर जंग करने के बाद वो गिरा तो हुर कहता है मैंने जितना जल्द हो सकता था अपने घोड़े को संभाला और उठ के फौरन मैं जाना चाहता था अपने बेटे के लाशे पर कि हुसैन ने मुझे रोक दिया, कहाँ है रोने वाले। हाँ
हुसैन ने मुझे रोक दिया, और कहां का इरादा है? कमौला वो मख्तल में मेरे बेटे का लाशा है, मैं ले आता हूं। कहा और किसी बूढ़े बाप में ये ताकत नहीं है कि वो तन्हा अपने जवान के लाशे को उठाए, मैं जाऊंगा। हुसैन गए और के बेटे के लाशे को लेकर आए। है कोई अली अकबर पर रोने वाला यहां पर? जब हुसैन के जवान अली अकबर ने सदा दी, हुसैन की आंखों का नूर चला गया था। हुसैन उठे, फिर गिरे, फिर आगे बढ़े, कभी दाएं झुके कभी बाएं झुके, कहते थे वो जहूनी या बुनैया, ए मेरे लाल मुझे आवाज दे, तेरे बाप को कुछ नजर नहीं आ रहा बेटा। चंद फिक्रे और कहने मुझे, जजाक अल्लाह, खुदा की आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए, कोई गम नाता फरमाए सिवा गम इमाम हुसैन के। खुदा हुसैन के बच्चों के सदके में आपके बच्चों को सलामत रखे, हुसैन की गोदी उजड़ गई। कुछ देर बाद होर आए, जितना रो सकते रो लें, इतना ही नफ्स पाक होगा, इतना ही कल्ब पाक होगा, रूह पाक होगी। उसके बाद होर आए, होर ने आकर कहा कि मौला मैं भी चाहता हूं कि बस मैं भी अपनी जान आप पे कुर्बान कर दूं। और होर ने जंग की। अब होर की जंग तो नहीं पड़ी जा सकती इस वक्त, बस इतना है कि होर जब खुद जख्मी आलम में जमीन पर गिरे तो हुसैन पहुंचे। हुसैन ने होर से कहा था ना, अगरचे उसकी हिदायत के लिए कहा था कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे, अब होर तौबा करके आ गए तो हुसैन को उसका बदला अता करना है। होर का सर अपनी गोद में रखा और फरमाया अंत हुर्रुन कमा सम्मत का उम्मु का हुर्रा, ऐ होर तेरी माँ कितनी अच्छी थी कि जिसने तेरा नाम होर रखा। तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। होर की पेशानी पे किसी ने पत्थर मारा था तो खून बह रहा था। हुसैन ने अपने पास से एक रुमाल निकाला, कहा ऐ होर ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा के हाथ का सिला हुआ रुमाल। होर की पेशानी पर वो रुमाल बांधा, कायनात का बेहतरीन तोहफा होर को अता किया। मैं कहूंगा मौला कुछ देर के लिए रुमाल रख लीजिएगा, इसलिए कि जब अली असगर को तीर लगेगा हलक से खून का फव्वारा बुलंद होगा। जज़ाकअल्लाह। जो आंखें अशबार है बीबी फातिमा तो ज़हरा आज़र अता फरमाए, सदाएं बुलंद हो रही है, मैं तसलसुल में पढ़ता जाऊंगा। हाँ होर के दो दिन असाब का जिक्र है, आज भी है और कल भी असाब का जिक्र है, तो मुझे कुछ और असाब का जिक्र भी करना है साथ में। कि एक तो वो होर है, दूसरे वो जौन है के जो आए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। अबू जर के गुलाम थे, अबू जर की वफात के बाद इमाम हुसैन ने अपने पास रख लिया था। अब वो आके इमाम हुसैन ने कहा कि जॉन हम गुलामों को मुश्किल वक्त के लिए नहीं रखा करते, जाओ हमने आजाद किया। जॉन ने कहा मौला अभी तो वफा का मौका है मौला। सुभान अल्लाह। इमाम ने कहा कि नहीं, बस जितना तुम थे तुम्हारी कुर्बानी कबूल है, जाओ। कहा मौला मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा खून बड़ा कमतर है, आप तो फातिमा जहरा के बच्चे हैं तो मेरा खून तो इस काबिल नहीं है। इमाम ने कहा ए जॉन मेरे नाना ने तफरीक खत्म कर दी थी, किसी गोरे को काले पर किसी काले को गोरे पर, क्या दर से हुसैनियत है, खुदा की कसम सुभान अल्लाह। का कोई फर्क नहीं है, जाओ अब तुम जाना चाहते हो, इतना इश्तियाक है तो जाओ। और उसके बाद जॉन भी गए और बेपनाह जंग की, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जॉन के पास भी पहुंचे। हाँ जॉन का सर गोद में रखा और जॉन ने फिर सर जमीन पर रखा और फिर हुसैन ने सर गोद में रखा। जॉन कहते हैं कि मौला ये फर्जंद फातिमा जहरा की गोद है, मैं एक हबशी गुलाम हूं मौला, मैं कहां इस काबिल हूं मौला। अब है यहां पर या हुसैन करके गिरिया करने की कैफियत भी और दुआ का मौका भी। हुसैन आहिस्ते आहिस्ते झुके झुके, फवजा खद्दहु अला खद्दे, हुसैन ने अपना रुखसार जॉन के रुखसार पर रखा, फरमाया अल्लाहुम्मा बायस वजहा हु व तय्यब रीहहु, परवरदिगार तू उसकी बू को खुशबू में तब्दील कर दे, तू उसके चेहरे को नूरानी कर दे। एक मरतबा जॉन ने तड़प कर कहा ए हबीब ए मुस्लिम आज मैं तुमसे ज्यादा अफजल हो गया, अरे फातिमा के बच्चे का रुखसार मेरा रुखसार बना गया। ए
एक बूढ़े साहबी हैं कि जिनका नाम है सईद इब्ने अब्दुल्ला, वक्त है मेरे पास चंद दकीके हैं, सईद इब्ने अब्दुल्ला हैं, और ये भी बूढ़े साहबी हैं, ये सोचते हैं कि मैं अपने आका की खिदमत कैसे करूंगा, इसलिए कि उलमा बयान करते हैं कि इनके हाथों में राशा था। अब राशा होता है तो तलवार चलाना मुश्किल है, नेजा संभालना मुश्किल है। जब इमाम हुसैन जोहर का वक्त हुआ और इमाम ने इमामत फरमाना शुरू की तो सईद ने आके कहा कि मौला मैं तलवार तो तीर तो नहीं चला सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये सीने की जो बूढ़ी पसलियां हैं ना, ये आपकी तरफ आने वाले तीरों को रोक लेंगी। मौला मुझे इजाजत दे मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं कि कोई तीर आप तक ना पहुंच रह पाए। ये मेरी तकरीर के आखिरी फकरात है। बस अब वहां से तीर बरस रहे थे, अब सईद कभी दाएं जाने झुककर तीरों को रोकें, कभी बाएं जाने झुककर तीरों को रोकें, और एक ही दुआ करते रहते थे कि परवरदिगार मुझे उस वक्त तक जिंदगी अता कर जब तक मेरे मौला की नमाज ना खत्म हो जाए। वहां हुसैन ने कहा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, और यहां सईद ने कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मकातिल में इस तरह से कि 17 तीर सईद के जिस्म पर पैवस्त थे। फरमा वफाई तो अपना रसूलुल्लाह, मौला जो वफा का हक था वो अदा हो गया है नहीं। इमाम ने कहा अंत अमामी फिल जन्ना, सईद जब तू जन्नत में भी जाएगा तो हुसैन के आगे आगे जाएगा, आज तो हुसैन के आगे खड़ा हुआ है। मौलाना आदर्शन जैदी साहब इन फिक्रों को कहते थे। सईद ने कहा मौला ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे दाहिनी तरफ आगे खड़ा हो गया हो। हुसैन ने कहा अदब से सलाम करो, ये मेरे नाना रसूलुल्लाह जन्नत से तुम्हें लेने के लिए आ गए। उसके बाद का मौला ऐसा लगा जैसे मेरे कोई सीने पर हवा कर रहा हो, मुझे जख्मों में तकलीफ ना हो। कहा ऐ सईद ये मेरे बाबा अली मुर्तजा मुश्किल कुशाए कायनात तुम्हें लेने आ गए। कोई देवा सईद कहते मौला पहाड़ी तरफ भी कोई है। कहा सईद मेरे बड़े भैया हसन मुश्तबा तुम्हें लेने आ गए, अब इसके बाद मुझे माफ कर देना। सईद ने कहा मौला ऐसा लग रहा जैसे कदमों की तरफ कोई बढ़ रहा हो। हुसैन अब जब्त नहीं कर पाए, सईद को जमीन पर रख दिया। कि सईद जल्दी से पैरों को समेट ले। अरे ये मेरी मां फातिमा ज़हरा अपने हुसैन के नासिर को लेने के लिए जन्नत से फातिमा आ गई हुसैन के मददगार को लेने। سلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حللت من برائك عليك مني سلام الله يا بدر ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا